हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी कंटिन्यू द सेम चैप्टर फ्रैक्शंस तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ लिया था व्हाट इज़ फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन फ्रैक्शन उसका एक पार्ट होता है हम फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन कैन बी रिटर्न यूजिंग टू होल नंबर्स एंड आ लाइन हम लाइन बीच में ड्रॉ करते हैं दो होल नंबर्स के बीच में लुक एट द वन अपॉन सिक्स लाइन के ऊपर जो नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नंबर लाइन के नीचे होता है हम उसे डिनोमिनेटर कहते हैं ओके सो वन इज न्यूमरेटर एंड सिक्स इज डिनोमिनेटर दिस इज अ पिज्जा ये एक होल पिज्जा है इसका कोई भी पार्ट कट नहीं हुआ है तो जब कोई चीज होल में रहती है जिसे बांटा ना जाए तो वो एक कंप्लीट पिक्चर होता है अगर हम इस पिज्ज़ा को डिवाइड करें बाटें हम इक्वल नंबर ऑफ पीसेस में इसे अगर सिक्स पीसेस में बांट दें एक होल था अगर हम इसके सिक्स पीसेस कर दें और सिक्स पीपल्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हम इसे कैसे शो कर सकते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं हम वन पीस के अकॉर्डिंग इसका क्या फ्रैक्शन लिखेंगे वन आउट ऑफ दीज सिक्स पार्ट्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स सिक्स हैं तो सिक्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारा डिनोमिनेटर होगा और जितने पार्ट हम लेते हैं टेकन पार्ट नंबर वो हमारा न्यूमरेटर होता है तो वन पार्ट के अकॉर्डिंग इसका फ्रैक्शन होगा वन अपॉन सिक्स ठीक है डिनोमिनेटर टेल्स अस द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन अ होल एक कंप्लीट होल में जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर होता है और हम उसे लाइन के नीचे लिखते हैं ठीक है और न्यूमरेटर क्या होता है जितने पार्ट्स हम ले लेते हैं उसमें से निकाल लेते हैं न्यूमरेटर टेल्स अस हाउ मैनी पार्ट्स आर टेकन फ्रॉम द होल अगर हमने टू पीसेज सिक्स पीसेज में से हमने टू पीसेस निकाल लिया और टू पीसेस के अकॉर्डिंग इसका फ्रैक्शन क्या होगा टू अपॉन सिक्स डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि होल का पार्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा ठीक है तो हमें ये बात हमेशा लर्न रखनी है कि डिनोमिनेटर नॉट बी ज़ीरो बिकॉज वी नॉट मेक ज़ीरो पार्ट्स ऑफ अ होल क्लियर सो हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा था और देखा था और आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री और फोर को आपने किया था सो so आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं सो टूडे वी आर गोइंग टू फिनिश आवर दिस एक्सरसाइज इन क्वेश्चन नंबर फाइव आपको क्या करना है टोटल थ्री इक्वल पार्ट्स हैं न्यूमिरेटर टू है इट मीनस आपको टू पार्ट को शेड करना है पेंसिल से क्वेश्चन नंबर सिक्स थ्री अपॉन फोर टोटल फोर पार्ट्स हैं आपको थ्री पार्ट्स को शेड करना है क्वेश्चन नंबर सेवन थ्री अपॉइन फाइव टोटल फाइव पार्ट्स में से आपको थ्री पार्ट्स को शेड करना है एंड क्वेश्चन नंबर एट में फ्रैक्शन गिवन है और आपको उसके अकॉर्डिंग शेड करना है तो फ्रैक्शन है फर्स्ट फिगर में वन अपॉइंट सिक्स इट मीनस टोटल सिक्स पार्ट्स हैं आप वन पार्ट को शेड करोगे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी में थ्री अपॉइंट एट आप थ्री पार्ट्स को शेड करोगे क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको फ्रैक्शन लिखना है बॉक्स में किसके बेसिस पे शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग तो आप पहले फिगर में काउंट करिए कितने टोटल पार्ट हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट डिनोमिनेटर होगा और न्यूमरेटर शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग शेड कितने हैं थ्री तो इसका फ्रैक्शन होगा थ्री अपॉन एट इसी तरीके से आप सारे फिगर को देख के फ्रैक्शन को बॉक्सेस में लिखोगे क्वेश्चन नंबर टेन में आपको फ्रैक्शन लिखना है अनशेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करेंगे हम फिगर ए को देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल एट पार्ट्स हैं और अनशेडेड कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो फ्रैक्शन होगा फाइव अपॉन एट क्लियर अच्छे से क्वेश्चन को आपको रीड करना है उसके बाद कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर इलेवन में आपको फ्रैक्शनल नंबर गिवन है और उसका फ्रैक्शन लिखना है कैसे लिखते हैं हम ये अब हम अभी देखते हैं बहुत ही ईजी है जो फ्रैक्शनल नंबर गिवन है फर्स्ट पार्ट उसका न्यूमरेटर है और सेकेंड पार्ट उसका डिनोमिनेटर है ठीक है तो इसी का जस्ट अपोजिट है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपको फ्रैक्शनल नंबर लिखना है फ्रैक्शन से बहुत इजी है न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ लिखेंगे और डिनोमिनेटर की स्पेलिंग में हम एच एस इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारा फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा क्लियर नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स नाउ लुक एट दिस एग्जांपल फर्स्ट फिगर को अगर हम देखें तो इसके फोर इक्वल पार्ट्स हैं हमने वन पार्ट को कलर कर दिया अब कलर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग इसका फ्रैक्शन होगा वन अपॉन फोर सेकेंड फिगर में टू पार्ट कलर हैं तो कलर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग इसका फ्रैक्शन टू अपॉन फोर और थर्ड फिगर के अकॉर्डिंग थ्री अपॉन फोर ठीक है इन दिस फिगर जब एक कंप्लीट पिक्चर होती है तो उसे हम वन से डिनोट करते हैं वो होल होता है हमने उस होल के टू पार्ट कर दिए टू इक्वल पार्ट्स तो कलर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग उसका फ्रैक्शन होगा वन अपॉन टू अब थ्री इक्वल पार्ट्स कर दिए तो वन पार्ट का कलर फ्रैक्शन क्या होगा वन अपॉन थ्री फोर पार्ट्स के अकॉर्डिंग जब हम वन पार्ट के अकॉर्डिंग कलर फ्रैक्शन उसका लिखेंगे वन अपऑन फोर और अगर हमने उसके फाइव पीसेस कर दिए और वन पार्ट कलर है तो वन अपॉन फाइव लुक एट दिस एग्जाम्पल्स इसमें हमने फ्रैक्शन कलर पार्ट के पार्ट के अकॉर्डिंग दिखाया है लिखा है फर्स्ट फिगर में फोर इक्वल पार्ट्स हैं तो फोर हमारा डिनोमिनेटर होगा और कलर थ्री पार्ट हैं थ्री हमारा न्यूमरेटर होगा इसी तरीके से अगर आप सारे पिक्चर को देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल रहेंगे फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं ठीक है सारे पार्ट इक्वल रहेंगे तभी वो फ्रैक्शन होगा तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट हमारा डिनोमिनेटर होता है और जो पार्ट कलर्ड है क्योंकि हम इसमें शेडेड के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो वो न्यूमरेटर अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखें अगर शेडेड पोर्शन के अकॉर्डिंग इसका फ्रैक्शन क्या होगा थ्री अपॉन फोर फर्स्ट फिगर को देखें तो थ्री पार्ट को हमने कलर किया है तो थ्री अपॉन फोर होगा अगर हम जो पार्ट शेड नहीं है या कलर नहीं है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फिगर का फ्रैक्शन वन अपॉन फोर होगा ठीक है तो सेकेंड फिगर और सारे फिगर भी हमने ऐसे ही लिखे हैं अब हम आ जाते हैं फ्रैक्शनल नंबर से हम फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं थ्री फोर्थ इट मीन्स थ्री हमारा न्यूमरेटर होगा फर्स्ट नंबर न्यूमरेटर को शो करेगा और फोर्थ हमारा डिनोमिनेटर होगा हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम स्लैश बोलते हैं और हम इसे क्या पढ़ते हैं थ्री अपॉन फोर ठीक है इसी तरीके से हम बाकी सारे नंबर्स के भी फ्रैक्शन लिख लिया हमने और अगर हमें फ्रैक्शन गिवन हो और हमें फ्रैक्शनल नंबर लिखना हो वो भी बहुत ही ईजी है टू अपॉन थ्री टू की हम स्पेलिंग लिख देंगे टी डब्ल्यू ओ टू और थ्री को हम कैसे शो करेंगे ऑर्डिनल नंबर के फॉर्म में थर्ड एस इंक्रीज कर देंगे इसी तरीके से स्पेलिंग्स हमें लर्न होनी चाहिए किसी में हम टी एच एस इंक्रीज करेंगे किसी में सिर्फ एस इंक्रीज करेंगे ओके सो न्यूमरेटर को हम एज इट इज नंबर नेम में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को हम ऑर्डिनल नंबर में लिखेंगे तो अब आपका होमवर्क है आप अपने मैथ्स बुक में क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व इन क्वेश्चन को बुक में ही करोगे बहुत ही शॉर्ट एक्सरसाइज है आप डेट मेंशन करोगे होमवर्क मेंशन करोगे और पेंसिल से नीट एंड क्लीन अपने वर्क को कंप्लीट करोगे